बटरफ्लाइज तो ब्रीड करते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा लेइंग पे आ जाती हैं तो ये ठंडे मौसम में तो इनकी लेइंग ज़रा सा बेहतर हो जाती है, लेकिन केजेस की सफाई रखनी है और दूसरा केजेस का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। सही बात है। अगर आप तैयार हैं और ब्रह्मा में लाइट ब्रह्मा भी हैं, ब्लू ब्रह्मा भी हैं, बफ ब्रह्मा भी हैं और ये सैल्मन ब्रह्मा भी हैं, तो आपने देखना होता है कि बर्ड्स का रिएक्शन क्या है, क्या बर्ड्स जो हैं वो दाने की तरफ आ रहे हैं कि दाना जो है वो उनको उतना देना जितना दाने की उनकी रिक्वायरमेंट है। बस जो चिक्स सेल कर रहा हूँ मैं, तो अब मेरे पास अर्निंग शुरू हो गई है। मेरे अपने जो चिक्स मैंने लिए थे उनको वो मैंने अपने डेवलप किया है। अगर आपने अपने पास जो है दो ट्रायो रखे हुए हैं तो तकरीबन जो है आपका सुबह के टाइम में आधे से एक घंटा बीफ बर्ड्स की एक और मालूमती वीडियो के साथ मैं शाम आपके में हाजिर हुआ, ऐसे कि मौजूद हूँ अहमद भाई के सेटअप पर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अहमद भाई से जिस तरीके से भाई फैंसी हैंस का जो है खासतौर पर ब्रह्मा का जो आजकल बहुत ज़्यादा रुझान चल रहा है, तो इंशाल्लाह इनसे ये जानेंगे कितने टाइम से जो ये शौक कर रहे हैं और माशाल्लाह कैसी अर्निंग हो जाती है। जाहिर सी बात है आजकल जो है लोग एक साइड बिजनेस के तौर पर रख रहे हैं और बड़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे जो है इनके एग्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो चले अहमद भाई से बात का आगाज़ करते हैं। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना, इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी आपको बहुत जल्द एक से दो दिन में मिल जाएगी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अहमद भाई, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अहमद भाई, माशाल्लाह से आपने काफ़ी हैंस रखी हुई है, ख़ासतौर पर ब्रह्मा, जो कि आजकल भाई बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड चल रही है, तो माशाल्लाह अच्छी ब्रीड्स रखी हुई है आपने। तो ये बताएँ थोड़ा, सबसे पहले तो ये बताएँ कितना टाइम हो गया माशाल्लाह हैंस पालते हुए? जी, मुर्गियां तो पालते हुए हमारा काफ़ी टाइम गुजर गया है, कई सालों से हम पाल रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें मिश्री वगैरह ज़्यादा हमने पाली थी और उसके बाद फिर हमने लाइट सुसेक वगैरह भी रखी थी, फिर आरआईआर रखी थी। अब ये साल भर हुआ है हमको ब्रह्मा अच्छा, रखते हुए। सही। तो ब्रह्मा में जो है वो चिक्स वगैरह लिए थे, फिर अच्छा, उसके बाद उनको जो है डेवलप किया है। सही। तो ये भी बताया माशाल्लाह, एक तो इन्वायरमेंट आपने बहुत अच्छा दिया हुआ, बिल्कुल खुला इन्वायरमेंट, और डेली बेसिस पे आप खोलते भी है या फिर जो है केजेस में रहती है? नहीं, ये इनके केजेस जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, वो आराम से कंफर्टेबल रहते हैं और वक्तन फवक्तन इनको खोलते भी रहते हैं, क्योंकि इनको खोलना ज़रूरी है ताकि जो है ओपन में जो है ये अपना टहल सकें, थोड़ा सा खा पी सकें, मट्टी में खेलते हैं, ये घास वगैरह में से जो है अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाते हैं, तो ये उनके लिए जो है थोड़ा सा अच्छी एक्टिविटी रहती है और हेल्दी रहते हैं। चले अगर अहमद भाई, अगर किसी के पास जगह ऐसी मैसर नहीं है भाई, जाहिर सी बात है केजेस में अगर रखे हुए हर ब्रीड तो आप खोल नहीं सकते, तो क्या कहेंगे भाई अगर नहीं खोलता कोई बंदा, नहीं खोल पाता, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि कोई ब्रीड पे तो फर्क नहीं पड़ता इस पे? नहीं, ब्रीड का बात यह है कि आपको केजेस की सफाई रखनी है और दूसरा केजेस का साइज प्रॉपर होना चाहिए। सही बात है। अगर आपके पास 5x5 का केज है ब्रह्मा रखने के लिए, तो उसमें आप एक मेल और दो फीमेल जो है वो 5x5 के केज में रख सकते हैं आप। अच्छा। और इसी तरह से अगर आप उसमें जो है दूसरी ब्रीड रखते हैं, प्ले माउथ रखते हैं या आरआईआर रखते हैं, तो उसमें आप तादाद थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, जितनी बड़ी ब्रीड होगी उसको मूव होने के लिए, हिलने जुलने के लिए जो है उतनी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये भी बताएं तकरीबन कितनी हैंस होगी आपके पास इस वक्त फैंसी हैंस में, कितनी वैरायटी मौजूद है, कितनी तकरीबन एवरेज कितनी आपके पास हैंस होगी? मेरे पास इस वक्त जो है 4-5 किस्म की वैरायटी मौजूद है। अच्छा। इसमें लाइट सुसेक मेरे पास जो थी वो अभी मैंने ख़त्म कर दी है, लाइट सुसेक्स, क्योंकि उसका थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। सही बात है। बाकी ये है कि मेरे पास जो है आरआईआर हैं और ब्रह्मा में लाइट ब्रह्मा भी हैं, ब्लू ब्रह्मा भी हैं, बफ ब्रह्मा भी हैं और ये सैल्मन ब्रह्मा भी हैं। इसके अलावा प्ले माउथ है मेरे पास और मिस्त्री मैंने रखे हुए हैं जो घर के इस्तेमाल के लिए अंडे आते हैं, अंडों के पर्पस के लिए। जी, अंडों के पर्पस के लिए। तो ये भी बताएं अगर कोई शौक करना चाह रहा है तो क्या मशवरा देंगे, चिक से स्टार्ट करें, ब्रीडर से स्टार्ट करें, या फिर जो है पट्ठे लेकर स्टार्ट करें, किस तरीके से इस काम को किया जा सकता है ताकि एक नुकसान भी ना और बंदा थोड़ा जो है थोड़ी अर्निंग भी हो जाए, तो क्या कहेंगे सवाल से? लेकिन जिस तरह से हर काम में एक तजुर्बे और समझ की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ये मुर्गियाँ पालने में भी जो है वो आपको समझ की ज़रूरत होती है और मेहनत की ज़रूरत होती है। सबसे मेन चीज़ है कि इनके पीछे आपको मेहनत करनी है, जैसे आप घर में बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं, उसी तरह से आपको मुर्गियों के पीछे भी जो है वो उसी तरह से मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो जब आप मेन चीज़, जो सबसे मेन चीज़ होती है, जब सुबह मॉर्निंग का आप इनको दाना देते हैं, उस वक्त आपने देखना होता है कि बर्ड्स का रिएक्शन क्या है, क्या बर्ड्स जो हैं वो दाने की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सबसे पहला जो इंडिकेशन बर्ड देता है, बर्ड वहाँ पे आपको देता है कि उसके साथ में कोई प्रॉब्लम है। अब फिर आपका काम है कि आप उसको देखें कि वो दाने की तरफ अगर नहीं आ रहा है तो उसको बुखार है, नज़ला है, खांसी हो रही है या उसका हाजमे का कोई प्रॉब्लम हो रहा है,
तो फिर उसके बाद देख करके आपने उसकी दवा वगैरह करनी होती है। मतलब बर्ड जब वीक होता है तो दाना खाना पीना छोड़ देता है इसी तरह? जी हाँ, जब वीक हो रहा है या उसको कोई बीमारी की तरफ जा रहा है या किसी और किस्म का प्रॉब्लम है, केज में सफाई नहीं है या कोई भी मसला होगा, तो बर्ड सबसे पहले जो है वो दाने से दूर हटेगा। सही बात है। तो वो उसकी तरफ से इंडिकेशन होता है कि उसको अपनी जगह के ऊपर जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो बीमारियों के हवाले से कौन सी ऐसी बीमारी फेस की है? क्या अक्सर लोग आपने सुना होगा कि भाई कि यार लोग डर रहे होते हैं कि यार कोई ऐसी बीमारी अटैक ना कर जाए जिस तरीके से वायरल हो गया, तो कि पूरा का पूरा सेटअप तबाह। कभी आपने ऐसा कोई फेस की बीमारी जिस तरीके से बातें मशहूर है कि भाई मुर्गियों में और जो है पोल्ट्री में इस तरीके से बीमारियां होती है कि पूरे का पूरा फ्लॉक ज़ाया हो जाता है, तो इस हवाले से बताएं। नहीं, ऐसा मैंने तो कोई भी फेस नहीं की। इक्का दुक्का बीमारियां आती हैं और बर्ड ज़ाया भी होते हैं, क्योंकि जब आप चूज़े लेकर के उनको डेवलप कर रहे होते हैं तो बीमारियां आती भी हैं और उसमें जो है चूज़े ज़ाया भी होते हैं। लेकिन इसमें सांस वाली चीज़ है, कोई क्या कहते हैं जी, सांस तो अल्लाह की तरफ से है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है कितनी नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो सफाई की है कि अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे, जिस तरह से इंसान के लिए भी सफाई ज़रूरी है उसी तरह से बर्ड्स के लिए भी, उनके केजेस की सफाई, उनकी सफाई, साफ़ पानी देना, उनको टाइमली दाना देना, दाना जो है वो उनको उतना देना जितना दाने की उनकी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने एक दफ़ा दाना खा लिया, ख़त्म हो गया, दाना काफ़ी है। अगर दाना बच रहा है तो इसका मतलब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा दाना दे रहे हैं, उतना दाना ना दें उनको, क्योंकि दाना जब पड़ा रहेगा उस पर वो पानी भी गिरेगा और दूसरी चीज़ें भी होंगे, वो दाना ख़राब होगा और फिर बर्ड खाएगा उस दाने को और उसको जो है वो बीमारी की तरफ जाना शुरू होगा। एक तरीके से फंगस भी लग जाते हैं ज़ाहिर सी बात है जब दाना इनकी फीड गीली हो जाती है। जी, तो उसका आपने एहतियात करना है कि दाना आपने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना है। सही बात है। तो ये भी बताएं कितना खर्चा आ जाता है मेडिसिन पे, विटामिन वगैरह हो गए इन पे, तकरीबन कितना अगर कोई बंदा बिलफत 10 मुर्गियाँ पाल रहा है तो कितना खर्चा आ जाता है मंथली? मंथली का तो इसमें कोई इतना ख़ास ख़र्चा नहीं होता है क्योंकि इसकी पैकिंग वगैरह मिलती हैं। अगर आप उसकी जो है वो बहुत बड़ी पैकिंग लेंगे तो इतने बर्ड्स के लिए तो उतनी बड़ी पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये लूज़ में मिल जाती हैं, लूज़ में के अलावा छोटी पैकिंग में भी मिल जाती हैं। तो छोटी पैकिंग में ले करके उनको जो है आप रखें अपने पास और थोड़ा थोड़ा इनको मल्टीविटामिन वगैरह देना होता है और उसके साथ में जो है इनकी जो रेगुलर कभी कोई ज़रूरत पड़ गई या पैनाडोल वगैरह देना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी बताएं अगर मतलब अगर कोई साइड बिजनेस के तौर पे करना चाहता है तो आप क्या मशवरा देंगे, किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है, और थोड़ा अर्निंग के हवाले से भी बताएं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आजकल जिस तरीके के जो हालात हैं, पोजीशन जिस तरीके से चल रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो क्या मशवरा देंगे आप? नहीं, मेरी नज़र में तो ये है कि जो आदमी स्टार्ट करना चाह रहा है वो बहुत छोटे चिक्स, एक दिन के, दो दिन के चिक्स, एक हफ़्ते के चिक्स ना ले, बल्कि कम से कम 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते या महीने भर के चिक्स ले और उसके बाद फिर उनको महीने भर के चिक्स को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करे अपने पास। और बेहतर ये होगा कि वो 3 महीने के जो पट्टे मिलते हैं वो ले, क्योंकि वो उनका जो एक स्टेज होती है बीमारियों की, 3 महीने तक के चिक्स जो हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं और उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, तो वो 3 महीने के उस फेज से निकल जाते हैं। तो 3 महीने से ऊपर के जब आप लेंगे तो आपको उनको संभालना भी आसान होगा और दूसरा किसी न किसी के साथ में एक्सपर्ट्स बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ में अटैच रहें, ग्रुप्स में अटैच रहें, वहाँ से आपको मालूमात मिल जाती हैं, चीज़ों के बारे में मशवरे मिल जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस लोग जो हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ही जाएं, वैसे ही जो है वेटनरी में भाई तरह तरह की मेडिसिन दे देते हैं, वैसे ही हर बीमारी का इलाज हो जाता है, क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो आपको बता देते हैं। जी, एक्सपर्ट्स के साथ में आपको टच में रहना और उनसे मशवरा करना और उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी जो आज यहाँ तक के पहुँचा हूँ तो उसमें मेरे पीछे जो है वो बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की है, ख़ासतौर से काजिम भाई हैं, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है, बहुत हेल्प की है। तो फैंसी पोल्ट्री में लाने वाले भी मुझे सपोर्ट करने वाले वही हैं। सही भाई, काजिम भाई हमारे भी उस्तादों में थे। जी, वो बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छा मशवरे ज़रूरत के तहत जैसा भी होता है उनकी गाइडेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। सही। तो अब ये बताएं थोड़ा अर्निंग के हवाले से भी कि कोई अगर साइड बिजनेस के तौर पर इसे करना चाहता है तो इतनी अर्निंग हो जाती कि यार चलो बंदा जो एक्स्ट्रा अखराज होते हैं वो इसमें से निकाल सके? लेकिन शुरू में तो आप कोई भी काम करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत आपको लॉस भी उठाना पड़ता है, लेकिन जब वो चीज़ स्टेबल होने लगती है तो फिर उसके बाद वो रिटर्न देना शुरू करती है। मैंने जो ब्रह्मा पाले और प्लेमाउथ पाले, सब कुछ पाले, अब जा करके जो मेरे पास चिक्स आ रहे हैं और मेरे पास जो चिक्स सेल कर रहा हूँ मैं,
तो अब मेरे पास अर्निंग शुरू हो गई है, मेरे अपने जो चिक्स मैंने लिए थे उनको वो मैंने अपने डेवलप किया है, तो मेरे पास अब जो है वो ब्रीडर तैयार हो गए हैं। मैं अगर ब्रीडर भी सेल करूं तो मुझे उसमें फ़ायदा होगा, या मैं अगर चिक्स सेल करूं तो उसमें फ़ायदा होगा। चिक्स सेल करो जी, हर सूरत में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन बात यह है कि आपको मेहनत करनी है। ये मेरे पास जो आपको मेहनत नज़र आ रही है, ये कम से कम एक साल की मेरी मेहनत है ब्रह्मास के ऊपर, और वैसे मुर्गियों के साथ में मेरी मेहनत का तजुर्बा जो है 2 से 3 साल का तजुर्बा है। अच्छा, ये केजेस वगैरह हमने डिज़ाइन किए हैं, सारी चीज़ें हमने जो है मेहनत करके उसके प्रॉब्लम्स को आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते 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 अब यहाँ तक के पहुँचे हैं। तो क्या मशवरा देंगे, करना चाहिए इस काम को, नहीं करना चाहिए? और ये भी बताएं, अगर कोई ऑफिस जा रहा है, जॉब पर जा रहा है, तो वो इस काम को कैसे कर सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम तो देना है, तो किस वक्त जो है इनको दाना पानी करवाना है, किस वक्त आपने जो है दाना पानी हटाना है, क्या कहेंगे सवाल से? जो आदमी ऑफिस वगैरह जा रहे हैं वो सुबह के टाइम पे जो है दाना पानी देख करके, दाना रख करके और पानी रख करके, क्योंकि ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है बर्ड्स अपना दाना खा लेते हैं, तो 15 से 20 मिनट में आप जो उनके बर्तन रखेंगे उसमें दाना वगैरह खाने के बाद वो वहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद पानी इनका रखा रहता है, अगर दिन के टाइम में पानी, सर्दियां भी हैं तो पानी रखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रात के टाइम में आपने जो है वो सर्दियों में पानी हटाना होता है। अच्छा, इसके अलावा जब आप ऑफिस गए हुए हैं तो आपके पीछे घर में आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, वो शाम के टाइम पे इनको दाना वगैरह डाल सकते हैं, फिर इनका दाना हटा सकते हैं, तो इतना वो नहीं है। हफ्ते में एक दिन आपने जो है इनकी केजेस की सफाई करनी है। अगर आपके मिट्टी के केजेस हैं तो आपने जो है मिट्टी जो है वो 2 महीने 3 महीने में 2 इंच के करीब जो है 2.5 इंच के करीब मिट्टी जो है हटा करके और उसमें नई बालू मिट्टी आपने साफ़ मिट्टी डालनी है, ताकि जो उनकी गंद वगैरह उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है उसकी वजह से जो बीमारियां होनी हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसी तरह से अगर आपके पास केजेस हैं, वुडन केजेस हैं या आयरन केजेस हैं, तो उसमें आपने चावल का छिलका डालना है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच चावल का छिलका डलेगा, जो उसमें उनकी गंदगी के मॉइस्चर वगैरह और गंदगी एब्जॉर्ब होती है उसमें, वो आपने जो है वो 3-4 दिन के बाद जो है वो, या अगर बर्ड्स कम हैं तो हफ्ते भर बाद जो है आपने वो छिलका जो है वहाँ से रिमूव करना है, सफाई करनी है। उसके बाद उसमें जो है वो कोई भी पाउडर जो है वो चूटियों का और कीड़ों का वो मिक्स करके उसके साथ में वो आपने डालना है, ताकि जो है कोई कीड़े वगैरह ना हो। सही, तो मेहनत के हवाले से बताएं, देखो मेहनत तो जाहिर सी बात है भाई हर काम में होती है, तो तकरीबन कितना टाइम, अगर दिन की बात करते हैं तो तकरीबन कितना टाइम आपको इनको देना होगा लाजमी, चाहे आप सुबह की बात कर लें शाम में, तो टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो तकरीबन कितना टाइम आपने मुर्गियों को देना ही देना है? अगर आपने अपने पास जो है 2 ट्रायो रखे हुए हैं तो तकरीबन जो है आपका सुबह के टाइम में 1.5 से 1 घंटा लगेगा और शाम में जो है वो 1.5 से 1 घंटा लगेगा। और सुबह जब आदमी ऑफिस जा रहा है तो इतना टाइम 1/2 घंटा 1 घंटा उसको अपने ऑफिस जाने से पहले देना होगा। बाद में जो है मॉर्निंग में भी दे सकता है क्या, कहते हैं क्योंकि मुर्गियां तो जाहिर सी बात जी अर्ली मॉर्निंग में, ये तकरीबन जो है वो जैसी रोशनी होती है, रोशनी के तकरीबन 1/2 घंटे के बाद जो है ये शोर करना शुरू कर देते हैं और दाना मांगना शुरू कर देते हैं, तो आपको मॉर्निंग में ही इनको जो है फीड करना है। और शाम में ये है कि मगरिब से पहले आपने जो है वो इनको दाना देना है, और बहुत ज़्यादा गर्मी का जब सीज़न आ जाता है तो फिर थोड़ा सा टाइम ठंडा हो जाता है मगरिब के वक्त या मगरिब के बाद, उस वक्त भी आप दाना दे सकते हैं। चलिए ठीक है अहमद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, इंशाल्लाह एक और वीडियो भी बनाएंगे, उसमें थोड़ा सेटअप भी आपको कवर करेंगे, ब्रीड्स वगैरह भी देखेंगे, तो माशाल्लाह अच्छी ब्रीड्स आपने रखी हुई है, तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया भाई, इंशाल्लाह ताला दोबारा से जब भी आपको मौका मिलेगा वीडियो बना लेंगे। चलें ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।